रानी एक नन्ही सी परी थी जो एक गुलाब के फूल के अंदर अपना घर बनाकर रहती थी। उसकी उंगलियां चमचमाती गुलाब की पंखुड़ियों जैसी थीं और हंसी बुलबुल की चहचाह से भी मीठी। रानी को जादू करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका जादू हमेशा थोड़ा सा ही होता। जैसे कि एक पत्थर को रंगीन बटन बनाना या चिड़ियों की बातें समझ लेना। एक दोपहर जब सूरज आकाश में ऊंचा चढ़ चुका था और जमीन तप रही थी, रानी किसी काम से बाहर निकली। वह गुलाब के फूल के पास एक छोटी लड़की को बैठा हुआ देखकर रुक गई। लड़की का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। क्या हुआ, छोटी रानी ने धीमे से पूछा। लड़की ने उसे देखा और बोली, मेरी गुड़िया की बांह टूट गई है, अब मेरे साथ खेलेगी भी नहीं। रानी को लड़की का दुख देखकर बुरा लगा। उसने लड़की की गुड़िया ली और ध्यान से जांचने लगी। वह टूटी हुई बांह को फिर से जोड़ने के लिए अपना जादू चलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। वह फिर कोशिश करती, फिर निराश होकर रुक जाती। अचानक रानी की नजर पतंगों पर पड़ी जो आकाश में ऊंचे उड़ रहे थे। उनके रंगीन कपड़े धूप में चमक रहे थे। रानी को एक विचार आया। वह लड़की से पूछी, तुम्हारे पास बूढ़े कपड़ों के टुकड़े हैं? लड़की ने हां में सिर हिलाया और थोड़ी देर में टुकड़े ले आई। रानी ने फिर अपना जादू चलाया। इस बार कपड़ों के टुकड़ों को पतंग के कपड़े की तरह रंगीन और मजबूत बनाते हुए उसने टूटी हुई बांह को इन रंगीन कपड़ों से ढक दिया और एक छोटी सी गांठ लगाई। जब लड़की ने गुड़िया को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। गुड़िया की टूटी हुई बांह ठीक हो गई थी और अब वह पहली से भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। लड़की हंसते हुए रानी को गले लगाने के लिए दौड़ी। रानी उस दिन बहुत खुश थी। उसे एहसास हुआ कि उसका जादू भले ही छोटा हो, लेकिन वह दूसरों के दुख को कम करके खुशियां ला सकता है। उसने सीखा कि कभी कभी सबसे बड़ा जादू किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से ज्यादा बड़ा नहीं होता। उस दिन के बाद रानी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके और कई लोगों की मदद की, उसने एक स्कूल को घास के फूल से ठीक किया, एक उदास बूढ़े आदमी के लिए उसकी यादों से चित्र बनाए और यहाँ तक कि एक खोए हुए कुत्ते को उसके घर तक पहुँचाया। हालांकि रानी को अब भी लगता था कि उसका जादू छोटा है, लेकिन जब वह हर दिन किसी को खुश देखती, किसी के आंसू पोंछती, तो उसे समझ आता कि असल में उसका जादू बहुत बड़ा और खास था, क्योंकि वह प्यार, उम्मीद और खुशी का जादू था। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास जादू नहीं है, तो रुकिए और चारों ओर देखिए। हो सकता है, बस हो सकता है, आपके पास दूसरों की जिंदगी खुशियों से भरने का सबसे बड़ा जादू मौजूद हो।